नमस्कार श्रोता बंधु मो उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा बिरजा कृपा साहित्य परिवार और बिरजा कृपा क्रिएशन तरफ रु पवित्र देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई स्वागत करुछि आपण मानंकु आमर एई भक्ति कथार आसर आसंतु शुणिबा आजिर भक्ति कथा आसर रे सेई लीलामय कोटि कैवल्यनाथ सारा विश्वर मौडमणि श्री नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथंकर एक अलौकिक कथा से कथा तांकर अणसर नीति को नहीं तेबे आसंतु शुणिबा महाप्रभुंकर ए अणसर नीति काहीं की पालित हुए एई सुंदर कथा को आपण मानंक पई संग्रह करिसंती ओडिसार तथा प्रख्यात संग्राहक श्री अर्जुन चरण बेहरांक संग्रह तेबे डेरी करिबा नहीं आसंतु शुणिबा महाप्रभुंकर ए अणसर नीति काहीं की पालन करा जाय एवं केबे ठारु एहा पालन होउछि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथम मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ। आजिर कथावस्तु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अणसर नीति ओ भक्त माधव दास। दर्शक बंधु श्री जगन्नाथ प्रत्यक्ष सान्निध्य लाभ करिथिबा आमे बहु भक्तंकर कहानी किंवदंती एवं उपाख्यान मान शुणिछंती। सेई भक्त मानंक मध्यरे जणे भक्त हेउछंती माधव दास। माधव दास थिले फलाहारी मठर महंत। से जीवनव्यापी हरिभक्ति साधना करी शहे वर्ष आयुषरे उपनीत होइथिले। शहे वर्ष वयसरे से अतिसार रोगरे पीड़ित होई खूब जंत्रणा भोग कले। मृत्यु फास तांकु कबलित करिबाकु लागिला। रोगर उपशम निमन्ते केवल हरिनाम रसायनकु से महौषधी मात्र अपणाई थांथि। जगन्नाथ महाप्रभुंकर आकुल प्रार्थना करी से जनाउथांती जे से रोगरु आरोग्य पाए। सुना जाए महाप्रभु कला गोरा दुईटी बालक रूपे आसी तांकर सेवा शुश्रूषा करुथिले। ईश्वानुरागी माधव दास तांक पक्षे से बालक द्वय किए ता जानिबा तांकु अछपा रहिला नाही। माधव दिने से दुई बालकंकु कहिले प्रभु काहीकि आउ छळना करुछंथि मत आरोग्य कर दियंतु नचे ए संसार रु मत विदाय दे दियंतु। तांकु उत्तर मिलिला नाही एवं केही जने तांकु कहिले ए भक्त से शक्ति आमर नाही संसार मध्यरे जहार जेमिति भोगिबार अछि ताहा बदलाइबा आम क्षमतार बाहर किंतु तुमर ए रोग जंत्रणा को आमे भोग करि पारिबा। एतक कहि बालक दुई जन पड़ा अंतर्धान होइगले। सेबेठारु माधव दास क्रमश आरोग्य होबाक लागिले पूर्ण मात्रा रे रोगमुक्त होइगला। दिने महोदधि स्नान सारी से जाई श्रीमंदिर रे पहुंचले। श्रीमंदिर रा भीतर काठ बंद थिबा देखि से बड़ पाटी रे डाकिले हे प्रभु कालिया ठाकुर ए अधम भक्त को दर्शन देबा हे। बड़ पंडा भीतर उत्तर देले ठाकुर मानू ज्वर हो दर्शन एवं संभव नुहे तुम्हें फेरी जाओ। यह शुणी माधव हठात मूर्छित हो गले एवं भाविले महाप्रभु तांको उपशम करेदी बोधहुए निजे ज्वर से आक्रांत हो पड़ते। से मूर्छित अवस्था मध्य से 15 दिन पर शरीर त्याग कले। एवं से ही 15 दिन को महाप्रभुंकर अनवसर व अणसर भाव पालन कर एवं एहा सेबेठु आरंभ होई भक्त रोग जंत्रणा हरण करी श्री जगन्नाथ स्वयं जरर आक्रांत होइथिले।
ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବସର ନୀତି ପଛରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତବତ୍ସଳତାର ଆଉ ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବିଧି ଏହି ଅଣସର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାରକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସେହି ମହାନ ବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହି ବାଣୀକୁ ମନୋବିଧ ଚୌତିଶାରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ହୁଏ ଆୟୁଷ, କ୍ଷୟ ନଜୀବ ନାମ ହୃଦରେ ଘୋଷ, ଛାର ଦେହକୁ ମନ ଯା ବିଶ୍ୱାସ, ଛାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କହେ ଭକତ ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନ, ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତି କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ବିରଜା କୃପା କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଜଣାଇ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରୁ ଆଜିର ଭକ୍ତି କଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ମୋ ଉପସ୍ଥାପକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପଣ୍ଡା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।